हेलो व्हाट्स अप एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल जीनियस क्लासेस और मैं विपुल शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज मैं आपके लिए लेकर गया हूं कि एमसीक्यू एग्जाम जिन बच्चों के हैं तो वो अपने एमसीक्यू एग्जाम में किस तरीके से अपने मार्क्स को ज़्यादा ला सकते हैं। आज मैं आपको ऐसी सुपर ट्रिक देने वाला हूं जो अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो गारंटी है कि आपका अगर जो एमसीक्यू में एग्जाम है आपका तो आपको बहुत बढ़िया 100% बेहतर जाने वाला है। इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, बिना स्किप करे देखिएगा तो आपको प्रॉपर और बढ़िया समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं। जो लोग फर्स्ट टाइम आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें। आइएगा डिस्कस करते हैं आप लोगों से सुपर ट्रिक क्या है कि एग्जाम के अंदर एमसीक्यू एग्जाम के अंदर अच्छे मार्क्स आ। सबसे पहली चीज आपको बता दो, एमसीक्यू एग्जाम जब भी आपका होगा या होने वाले हैं तो मैं आपको इसकी चीज़ की बता रहा हूँ, एमसीक्यू एग्जाम में थोड़ा सा हमें डीप पढ़ना होता है बिकॉज एमसीक्यू में आपको टिकी करना होता है क्या ऑप्शन 1, B, C या D, A, B या C या D कौन सा भी। तो वो आपको कैसे पता लगेगा जब आपको याद होगा। तो ट्रिक क्या है, सबसे पहली चीज आपको इसके बेसिक कंसेप्ट पढ़ने पड़ते हैं। आपको बेसिक कंसेप्ट पढ़ना पड़ेगा, बेसिक कंसेप्ट रीड करना पड़ेंगे आपको, प्रॉपर बेसिक कंसेप्ट पढ़ने पड़ेंगे आपको, क्योंकि जो हमारे एमसीक्यू होते हैं वो किसी न्यूमेरिकल में से या किसी इंपॉर्टेंट में से ऐसा कुछ नहीं होता, कुछ पता नहीं होता कहाँ से रहे, वो हमेशा बुक के बीच में से आते हैं बुक के, क्योंकि आपको क्या करना है, चैप्टर के कंसेप्ट को पढ़ना है, बेसिक कंसेप्ट रीड यानी कि चैप्टर को पढ़ना है। अगर आपके चैप्टर की थ्योरी आपको समझ आ रही है, चैप्टर की थ्योरी, चैप्टर की थीम आपको समझ में आ गई, अगर आपको चैप्टर की थीम समझ में आ गई तो गारंटी है कि आपका एमसीक्यू गलत नहीं होगा। क्योंकि अब क्योंकि जो हमारे एमसीक्यू होते हैं तो वो न्यूमेरिकल भी सब्जेक्ट है और थ्योरेटिकल भी सब्जेक्ट है, तो ये मैंने आपको थ्योरी के लिए बताया कि क्योंकि न्यूमेरिकल हो या फिर थ्योरी थ्योरी हो तो बेसिक कंसेप्ट तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। बेसिक कंसेप्ट कहाँ से, जैसे मैंने आपको बताया चैप्टर की थ्योरी समझो, चैप्टर की थीम समझो, चैप्टर कहना क्या चाह रहा है आपसे, चैप्टर की मीनिंग को समझो, चैप्टर की डेफिनेशन मीन्स चैप्टर की रीडिंग करो बढ़िया तरीके, चैप्टर को समझो, चैप्टर कहना क्या चाह रहा है। क्योंकि अगर आपको ये समझ में आ गया ना तो आपको एमसीक्यू गलत नहीं होगा, क्योंकि आपको ये तो पता लग जाएगा जब आप एमसीक्यू का क्वेश्चन पढ़ेंगे कि भाई ये वाला जो क्वेश्चन है ये फलाने चैप्टर से है। अगर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की मान लो अगर आपने इश्यू ऑफ शेयर पढ़ रखा है तो आपको समझ में आएगा भाई ये इशू ऑफ शेयर से है, डिवेंचर पढ़ रखा है तो डिवेंचर से पता लग जाएगा, है ना, होल्डिंग शेयर से पढ़ रखा है तो होल्डिंग शेयर से, गुडविल का पढ़ रखा है तो गुडविल से आपको पता लग जाएगा ये वाला चैप्टर से है। दूसरी चीज फोकस करें फोकस ऑन जो आपके क्वेश्चन होते हैं ना ईयर रिलेटेड क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा फोकस करें, और साथ ही सेक्शन और एक्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं उनको आपको फोकस करके पढ़ना है। क्योंकि मान लीजिए ईयर है, फलाने ईयर में ये हुआ और वो क्वेश्चन आ गया आपके, तो अगर आपने वो पढ़ रखा होगा तो ही तो आपका सही जाएगा। तो मैं कहूँगा अगर आपके पास कोई ऐसी बुक है, कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें ईयर क्वेश्चन है, सेक्शन रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आपको जरूर, जैसे लॉ के जो सब्जेक्ट है वो ईयर रिलेटेड भी है। तीसरी सुपर ट्रिक, एमसीक्यू गलत नहीं होगा आपका, आपको और अगर आपका न्यूमेरिकल में है तो ऑल फॉर्मूले लर्न करने हैं। बिना फॉर्मूले लर्न करे मत जाइएगा, फॉर्मूले लर्न होंगे तो ही आप टिक कर पाओगे एंट्री। फॉर्मूला का मतलब इसमें सब आ गया, चाहे वो ट्रांजेक्शन हो कोई भी, चाहे वो आपका एंट्री हो, चाहे वो आपकी कुछ भी हो, फॉर्मूले के अंदर सब आ गया कि चैप्टर का कंसेप्ट क्या है। और फोर्थ मेरी ट्रिक आपके लिए, एमसीक्यू गलत नहीं होगा, एमसीक्यू में अच्छे मार्क्स आने हैं। फोर्थ मेरा आपके लिए सजेशन ये है, रीड
रीड ऑल MCQ इन योर मॉडल पेपर, जो आप जिस मॉडल पेपर से आप तैयारी कर रहे हो अपनी, उस मॉडल पेपर के MCQ जो है ओनली रीड करने हैं। एक बार आपको रीडिंग मारनी है, एक बार कुछ रिवाइज करना है, आपको याद नहीं करना, आपको रिवाइज करना है। और रिवाइज जब आप करते हैं ना, तो आपने क्वेश्चन को पढ़ा, उसके आंसर को पढ़ लिया। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपने जो पढ़ा है क्वेश्चन ये पढ़ा आपने, आंसर वहां क्या होगा, क्वेश्चन पेपर में क्या होगा, एग्जाम में, वहां आपको जो आपने आंसर पढ़ा वो आपको क्वेश्चन बना के दे दिया, जो आपने क्वेश्चन पढ़ा वो आपका आंसर दे दिया। तो यहां से आपका ये दो चीज आपकी क्लियर हो जाएंगी अगर आपने ये रीडिंग की है अच्छे से। तो मैं चाहूंगा आप लोग अच्छे से इन चारों चीज को फॉलो करें, और गारंटी है कि आपका जो MCQ एग्जाम है उसके अंदर आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। ये मैं आपको अपनी फॉलोगिरी बता रहा हूँ, मैंने ये फॉलो किया है और मेरे MCQ में मैंने पढ़ाई की थी और मेरे 82% आए हैं। मेरा MCQ एग्जाम था BCOM थर्ड ईयर में, तो मैं आपको भी कहूँगा, आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इन कंसेप्ट को फॉलो करें। मैंने इन कंसेप्ट को फॉलो किया और मेरे एग्जाम के अंदर अच्छे मार्क्स आए और मैं कन्फ्यूज भी नहीं हुआ, ठीक है। तो आई होप आपको मेरी चारों सुपर ट्रिक अच्छी लगी होंगी, और अच्छी लगी है तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और साथ ही अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो। आपको कुछ मुझसे पूछना है, क्वेश्चन रिलेटेड कुछ भी स्टडी रिगार्डिंग आपको मुझसे बात करनी है, तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू बच्चों, बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।